नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवन एक संघर्ष है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस जीवन काल में कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो अकेला वो रोता है, बाकी सब हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। और जब वही व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहता है तो वो हंसता है और बाकी सब नम आँखों से उसे विदा करते हैं। तो ये जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक संघर्ष है। इस संघर्ष में दिन और रात हम सभी को लड़ना है, गिरना है, उठना है, फिर आगे बढ़ना है और अंत में मरण शैया पे लेटे जाना है। तो जब जीवन हमें इस प्रकार से मिला है, हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, वो ये है, क्योंकि जीवन यानी मनुष्य जो जीवन है वो बड़ी मुश्किलों से मिलता है। इस जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य है। हमें अपने जीवन का भी कोई ना कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य बनाना है और उसे हासिल करना है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत ही महान पुरुषों की जीवनियाँ, उनसे रिलेटेड जानकारियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम भी कभी ना कभी प्रयत्न करके, इस जीवन से संघर्ष करके उनकी तरह बन सकते हैं या उनसे बेहतर बन सकते हैं? अगर और कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान तो बन ही सकते हैं जिसे लोग जन्मों जन्मों तक याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कई मुकाम हासिल हो जाते हैं जीवन में तो हमारा नज़रिया बाकी लोगों की तरफ बदल जाता है। यानी कि जो लोगों से हमारी अपेक्षाएं हैं वो बदल जाती हैं, लोग हमसे संपर्क करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनके साथ उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन्हें इग्नोर भी कर देते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। जो हम काम अपने जीवन में करते जाएंगे, कभी ना कभी उसके अनुरूप हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो ये जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है जो हमें सबको समझना चाहिए कि हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए। जैसा भी हो, जितनी मदद या जितनी अच्छाई हम कर सकें दूसरे मनुष्य, पशु या किसी के लिए भी, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हमारे लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ दूसरों के लिए ही काम करना है, लेकिन जो असली जीवन है उसका मतलब ही समर्पण है। तो अगर आज हमने कुछ समर्पित किया है किसी के लिए, तो वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें या हमसे जुड़े हुए कई लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जीवन में जैसा भी कर्म हम करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। चाहे वो अच्छा कर्म हो तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर कर्म अच्छा नहीं किया है तो कभी ना कभी उसके अनुरूप हमें वही फल मिलेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया। लेकिन बुरा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को हानि पहुंचाई हो। बुरा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को कभी बुरा भला कहा हो। बुरा होने का मतलब ये भी है कि मन में आपने किसके प्रति कैसी भावना रखी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आपका जीवन सही नहीं चल रहा हो और दूसरे व्यक्ति तरक्की कर रहे हों और आपके मन में उनके प्रति जलन या भेदभाव उत्पन्न हो, तो वो भी एक प्रकार का पाप है जिसने हमारे शरीर में, हमारे मन में जन्म ले लिया है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कष्टदायक साबित होगा।
तो जीवन में हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना और जितना हो सके अच्छे रास्ते पे चलना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।